ऐसे कब तक आखिर वो जेल में रहेंगे, आप ही लोग बताइए। हम लोग लगे हुए हैं जेल से, उनको जितना जल्द हम लोग निकालेंगे, प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, हम लोग साथ हैं, जैसे भी उनको निकालना होगा निकालेंगे, प्रशासन के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मुस्लिम तो खड़ा होता ही नहीं है, वो तो प्रशासन खड़ा होता है, बैरियर तो प्रशासन लगाता है। तो प्रशासन किसके कहने पर बैरिकेटिंग कर रही है तो बताइए। वो तो बोलता है कि मुसलमान लोग कहते हैं, और मुसलमान बोलते हैं कि हम लोग रास्ता को रोकवे नहीं करते हैं। डर नहीं ना लगेगा? कोई डर नहीं, हम लोग डरने वाला में से हैं, डरने वाला से नहीं। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि अमन कुमार के परिवार की तरफ से लगातार कई गांवों में आज न्याय यात्रा की जा रही है। इसी बीच इस वक्त हम लोग मिर्जापुर गांव में मौजूद है, और गांव के कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग अमन कुमार को लेकर, उनके परिवार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। मेरा चाचा, आपसे पहला सवाल होगा, अमन कुमार जो कि हिंदुत्व प्रचारक हैं, बार बार उनको जेल में डाल दिया जाता है, आज उनका परिवार सड़क पर आ रहा है, आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहे हैं, इस पर क्या बोलना है? देखिए, हम लोग इनके साथ हैं, हम लोग की लड़ाई के लिए साथ दिए हैं, हम लोग इनके साथ तन मन धन से साथ हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ के जो सांसद जी हैं, मनीष जायसवाल हैं, और भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर उन लोग का साथ मिलता तो नहीं लगता कि शोभा यात्रा के लिए इतनी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती? नहीं, बात तो सही है, साथ मिल रहा है, साथ वो भी दे रहे हैं। किसका साथ मिल रहा है? साथ हम लोग भी साथ हैं, रमन जी भी साथ हैं, सांसद जी साथ दे रहे हैं। हाँ, साथ दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्या बोला उन्होंने आपसे? वो भी बोले हैं कि भाई जो मांग यहाँ पर रखा गया है, हाँ, जो भी गलत नहीं है, सही मांग है, और ये जो प्रशासन द्वारा दबाव डाला जा रहा है या इस पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, ये व्यर्थ है। अच्छा, आप लोग लोकल गांव के हैं, एक बात सही से बताएं, अमन कुमार के समर्थन में क्या सांसद जी ने कुछ बोला? अमन कुमार के साथ साथ अजय सिंह भी जेल में, आप उनकी एज जान रहे हो और देख रहे हैं, उन दोनों लोग के समर्थन में सांसद कुछ बोले यहाँ के? हाँ, बोले तो थे। क्या बोले? बोले हैं, वो भी बोले हैं कि जो मांग रखा जा रहा है, हाँ, अमन जी रखे हैं, वो गलत नहीं रखे हैं, सही मांग है, और जनता को साथ दे रहे हैं, सही साथ दे रहे हैं। कब तक आखिर वो जेल में रहेंगे, आप ही लोग बताइए। हम लोग लगे हुए हैं जेल से, उनको जितना जल्द हम लोग निकालेंगे, प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, हम लोग साथ हैं, जैसे भी उनको निकालना होगा निकालेंगे, प्रशासन के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम करते हैं आपसे बात, यहाँ पे और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा भैया, एक बात बताइए, गांव का माहौल क्या रहा उस टाइम पर, और अभी तक क्या कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो लोग तो कहते हैं कि हम लोगों कहाँ पर रास्ता रोकते हैं, रास्ता तो प्रशासन रोकता है, और मुस्लिम तो खड़ा होता ही नहीं है, वो तो प्रशासन खड़ा होता है, बैरियर तो प्रशासन लगाता है। तो प्रशासन किसके कहने पर बैरिकेटिंग कर रही है तो बताइए। वो तो बोलता है कि मुसलमान लोग कहते हैं, और मुसलमान बोलते हैं कि हम लोग रास्ता को रोकवे नहीं करते हैं। तो फिर वो प्रशासन, हम लोग तो जनता है, जनता हम लोग कहते हैं कि जब मुसलमान का त्यौहार उस रास्ते से होता है, मुहर्रम का जुलूस होता है, ताजिया होता है, तो हिंदू का क्यों नहीं होगा? हिंदू का भी होना चाहिए ना, यदि सार्वजनिक रास्ता है तो उस पर किसी को बंद करने का कोई राइट नहीं है। वो बंद आखिर कर कौन रहा? आप लोग प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन, तो प्रशासन को भी तो कहीं ना कहीं से ऑर्डर मिलता होगा ना कि अपनी मनमानी कर रही है आपकी प्रशासन। प्रशासन अपने आप समझे, प्रशासन जवाब देगा ना कि हमको कौन बोलता है रोकने के लिए। आप लोगों से प्रशासन कुछ नहीं कहता है? आप लोग पर लाठी चार्ज भी हुआ था उस दिन। प्रशासन जो है बोलता है कि नहीं सो, हम लोग को ऊपर से दबा है, लेकिन स्पष्ट ही नहीं करते हैं कि ऊपर से किस जगह से दबाव से। यहाँ गए SDO बुलाए थे, तो हम लोग गए तो उन्होंने बोले कि 10 तारीख तक हम लोग जो हैं, 10 अगस्त को हम इसका लाइसेंस जो है निर्गत करेंगे। कौन से ऐसे नेता थे जिनके चक्कर में आप लोग अभी तक रह गए इस तरीके? देखिए, 2-3 को नेता लोग यहाँ से गुजर गए, अब उन लोग का नाम लेना भी बेकार है। जसवंत सिन्हा, वो अतिथि थे, वित्त मंत्री भी बने थे, हम लोग सांसद भी बने, वो भी हम लोग को झांसा दिए। उसके बाद विधायक, हम लोग का लोकल क्षेत्र का विधायक थे, वो भी वही चक्कर में हम लोग विश्वास पर रहे, उनसे भी नहीं हो पाया। इतना दिन हो गया, मुझे लगता है कि 12-13 दिन हो गया है। अगर बात करें बड़का गांव MLA की, तो वो यहाँ पर आई थी, आप लोगों से मिली थी? नहीं, आज तक नहीं। वो भी हम लोग को झांसा दी है, वो भी झांसा दी है, लेकिन वो तो कहती है कि वो कितनी बड़ी हिंदू, उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, वो कहती है कि मैं कैसी हूँ मुझे पता। सांसद मनीष जायसवाल से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे अमन कुमार और अजय सिंह के? उनको रखेंगे साथ में, कोर्ट में रखेंगे कि आप हम लोग को साथ में चलिए, यहाँ प्रक्रिया क्या करना नहीं करना आप साथ कीजिए, खर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, एक ही दिन वो लोग आए थे, उसके बाद कभी आए हैं यहाँ पे, तो कैसे साथ में पकड़ के लेके जाइए? तो ज्यादा दूर के थोड़े हजारीबाग में रहते हैं, तो पकड़ के ले लेंगे, ले आएंगे, कोर्ट कचहरी हजारीबाग में है ना। डर नहीं ना लगेगा?
कोई डर नहीं, हम लोग डरने वाला में से है, डरने वाला से नहीं। लगातार ये लोग हर तरीके से, इवन यहाँ तक कह रहे कि तन मन धन से साथ में हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि अमन कुमार और अजय सिंह कब जेल से बाहर आते हैं और इस शोभा यात्रा को लेकर जो लाइसेंस वाली बात चल रही है वो मिल भी पाता है या नहीं मिल पाता है। आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद।